इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने फिंगर्स को स्मूथ कर सकते हो, स्पीड वाले गाने प्ले कर सकते हो, एकदम तेज़ तर्रार भगा सकते हो और एकदम स्मूथली सही टाइमिंग के साथ। अगर आप किसी के साथ प्ले कर रहे हो, आप एकदम कोई स्पीड वाला गाना बजा रहे हो, कोई एकदम तेज़ रिदम वाले के साथ, कुछ अपने कीबोर्ड या अपने हारमोनियम अपने केशियो के साथ कुछ लहरा प्ले कर रहे हो, तो स्मूथली आप फिनिशिंग के साथ अपने फिंगर्स को अच्छी तरीके से यूज़ करके उस मेलोडी को, उस सॉन्ग को किस तरह परफॉर्म करें। कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज रहेंगी, कुछ टिप रहेंगी, इसलिए छोटा सा क्विक सा वीडियो रहेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास पांच फिंगर है, आप लेफ्टी हो या राइटी, ट्राई करें अपनी पांचों फिंगर को यूज़ करें, जिससे अक्सर होता है हारमोनियम में ये चार फिंगर यूज़ करते हैं, कीबोर्ड में भी अक्सर ये चार फिंगर भी यूज़ करते हैं, या फिर ये तीन ही करते हैं, मतलब इसी में ये ऐसे घूमते रहते हैं, जिससे क्या स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, कीस किसी लिमिटेड फिंगर्स में बढ़ जाती है ना। वो ये वही बात होगी, कोई काम एक दिन में कोई दो कारीगर कर रहे हैं और सेम काम चार कारीगर करेंगे तो काम जल्दी होगा। तो आपको अपनी पांचों फिंगर यूज़ करनी है कोई भी मेलोडी या किसी भी धुन को बजाने समय। अपने पिंकी फिंगर का यूज़ करना है, वो इतनी जल्दी नहीं होगी, इसलिए उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होगी। नॉर्मली आप सी स्केल के ऊपर इस तरह एक्सरसाइज करिए पहले कुछ दिन। पिंकी फिंगर को यूज टू करिए, अगर आपकी ऑलरेडी है देन फिर आगे बढ़िए। तो सबसे पहला स्टेप, अपने पांचों फिंगर को यूज़ करें, या फिर कॉर्ड्स में अगर लेफ्ट साइड में ये इन्हीं भी पांचों फिंगर को यूज़ करें। आपकी अगर सभी फिंगर यूज़ होगी तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। चलिए दूसरा पॉइंट, ट्राई करिए कि एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बताता हूँ वो आप करें, जिससे आपके दोनों हाथ एक दूसरे से अलग अलग बजते हुए भी सिंक्रोनाइजेशन हो, है ना। आप पियानो ट्यून ले सकते हो दोस्तों, ये मैंने संतूर ले रखी है, और आप सी स्केल आपको प्ले करना है, एक उल्टे साइड और एक राइट साइड। समझे, मतलब यहाँ पे मैं जो सी स्केल प्ले कर रहा हूँ, सा रे गा मा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, इधर मैं कर रहा हूँ नि ध प म ग रे सा रे गा मा प ध नि, है ना, और इधर सा रे गा मा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, दोनों तरफ उल्टे जा रहे हैं, लेकिन इससे क्या आपके माइंड इस चीज़ में डाइवर्ट हो रहा है और कुछ आपको कठिन कठिन चीज़ें पता चल रही है जो आपके फिंगर्स के लिए सही है, आपके माइंड के लिए सही है, स्पीड के लिए सही है। तीसरी चीज़, स्पीड बढ़ाने के लिए काफ़ी प्यारी एक्सरसाइज है, जिसे हम कहते हैं हैनन एक्सरसाइज, HANON, हैनन एक्सरसाइज। हैनन एक्सरसाइज किस तरह बज रही है, जिसमें हमारी पांचों फिंगर यूज़ होगी। सबसे पहले आप अपना थंब सी के ऊपर, देन अगला नोट स्किप करना है, डी स्किप करना है, देन जाना है ई के ऊपर, फिर नेक्स्ट एफ, देन जी, देन ए, इन कीज का यूज़ होगा। प्ले किस तरह करना है, इस तरह कुछ। एक एक स्टेप आगे चलते जाना है। सबसे पहले आपने सी से शुरुआत की थंब रख के, देन डी से शुरुआत करना है थंब रख के, अगर जब आप डी के ऊपर थंब रखेंगे देन अगला नोट ई स्किप कर देंगे, ई के ऊपर थंब रखेंगे देन अगला नोट एफ स्किप कर देंगे। इस तरह आप एक ऑक्टेव नहीं, पूरा का पूरा कीबोर्ड कवर कर सकते हो। आपके कीबोर्ड में 61 कीज़ हैं, 49 कीज़ हैं, 25 बटन हैं, 88 कीज़ हैं, पूरा का पूरा कीबोर्ड आप एक साथ कवर कर सकते हो इस तरह, पूरे एक बार एक्सरसाइज साथ में बजाते हैं। समझ में आ गया। सेम चीज आते समय जैसे समझ लीजिए मैं यहाँ से सी से शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे को सी पे पहली फिंगर रखनी है, देन यहाँ पे एक नोट स्किप करना है, और देन फिर बाद में, और फिर यहाँ से शुरू करना है। सेम चीज अगेन, एक्सरसाइज में सभी चीजें सेम रिपीट ही चलती रहती है, जिससे अपना माइंड एक फ्लो में चले। अगर आप स्लो कर लेंगे ना दोस्तों, तो आप स्पीड ऑटोमेटिक ही कर लेंगे, इसलिए सबसे पहले ट्राई करें कोई भी अपनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को एकदम स्लो स्पीड में करिए, है ना, एकदम स्लो में, मतलब जैसे हैनन है तो एकदम स्लो। फिर से ऑटोमेटिक धीरे धीरे एक 10 मिनट का एटलीस्ट फ्लो बनाइए, ऐसा नहीं आपको पहले बार में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ गए, इसको ट्राई करते रहिए मकड़ी की तरह, कैसे ऊपर चढ़ती है फिर से गिर जाती है, फिर से चढ़ती है फिर से गिर जाती है, इसलिए ट्राई करते रहिए, है ना। और सेम चीज़ को आप कई दफ़ा जब 10 मिनट का एक फ्लो बनेगा, ऑटोमेटिक वो एक ग्रिप आ जाएगी और स्पीड आपकी बन जाएगी। फिर
फिर ट्राई करिए मेट्रोनोम के साथ, किसी रिदम के साथ, और इसी तरह इस एक्सरसाइज को फिर लेफ्ट हैंड से ट्राई करिए, राइट हैंड से ट्राई करिए, और अपनी स्पीड में आपको, अगर आप इस एक्सरसाइज को 5-10 दिन करेंगे, आपको एक अच्छा सही जफा देखने को मिलेगा जो आपको बहुत प्यारा लगेगा, है ना। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कंप्लीट पियानो सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन की लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो द कमलेश मैजिकल कीस ऑफ पियानो। और मतलब जैसे ही डाउनलोड करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे कोर्स में जाओगे तो यहाँ पे मेरा एक कंप्लीट पियानो का कोर्स है स्टोर के ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, 499 का कोर्स है जिसमें मैंने सभी बेसिक टू लेकर एडवांस चीज़ें इसमें डिस्कस कर रखी है। होप आपको मज़ा आए, होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। 499 का कोर्स अफोर्ड करते हो तो जाइए और शुरू करिए अपनी एक प्यारी सी जर्नी म्यूज़िक के साथ, पियानो के साथ, कीबोर्ड के साथ। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते एक छोटा सा देख लीजिए स्पॉन्सर सेगमेंट और फिर थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रियाज ऐप। रियाज एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप घर बैठे सिंगिंग सीख सकते हो, म्यूज़िक सीख सकते हो, और भी कई सारे राग थाट अलंकार और म्यूज़िक रिलेटेड चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिए रियाज ऐप। थैंक यू।